बीजेपी ने रोहतक में खोला प्रदेश चुनाव कार्यालय, सीएम सैनी ने कराया हवन, प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली, स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता भी रहे मौजूद। विधिवत रूप से हमने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन किया है। आज हमने हवन यज्ञ करके आज परमपिता परमात्मा से। रोहतक में बोले सीएम सैनी, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए समर्थन देगी जनता, एनसी कांग्रेस के गठबंधन पर भी कसा तंज। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही दिशा निर्देशों में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। जन आशीर्वाद रैली में सीएम सैनी ने की शिरकत, नायब सिंह सैनी ने चखा गुहाना की जलेबियों का स्वाद, जाते जाते जलेबियों की तारीफ भी की। हरियाणा की माथू राम जी की जलेबी गोहाना की प्रसिद्ध है। आज मेरा मन किया था कि माथू राम जी के यहाँ जलेबी को उसका स्वाद चखा जाए देसी घी। सीएम सैनी ने बड़ा सियासी हमला बोला, पूछा सवाल, हुड्डा शैलजा बताए क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा के साथ है या नहीं। चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से जो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, मैं उसके लिए पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके धारा 3। चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कसी कमर, अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को आसानी से कर देंगे चित, पाप ही कांग्रेस को डुबो देगी। को हम आसानी से चित कर देंगे, कांग्रेस ने पाप ही इतने कर रखे हैं, कांग्रेस के इसके पाप ही इसको डुबो देंगे। अब देखिए केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कर रहा जो चुनाव समिति थी जिसमें मैं भी था, जिसका मैं सदस्य हूँ। देश में रेप कांड से चिंतित हुए अनिल विज, कहा महिलाओं की बहुत इज्जत करता है देश, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, सख्त कानून बनाना चाहिए। ये हिंदुस्तान महिलाओं की बहुत इज्जत करता है, द्वापर युग में चीर हरण हुआ था तो महाभारत होती, त्रेता में सीता माता का हरण हुआ था तो लंका दहन। कांग्रेस ने बनाई आक्रामक रणनीति, टिकटों में घटेगा जाट कोटा, गैर जाट को मिलेगी ज्यादा टिकटें, पार्टी हाईकमान करेगा टिकटों का वितरण। मीटिंग जो होगी वो 25-26 तारीख से शुरू होगी और 23 तारीख तक अपनी कार्रवाई समाप्त करने जा रहे हैं, वो इंडिकेशन उसके चेयरमैन। ननिहाल चरखी दादरी में मनु भाकर का हुआ भव्य स्वागत, ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर ही रहेगा निशाना, मनु ने कहा ननिहाल दादरी का सम्मान ताउम्र रहेगा याद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे इतना भव्य स्वागत दिया है और काफी खुशी होती है जब भी मैं लौट कर वापस घर आती हूँ, स्पेशली जब मेडल लेकर आती हूँ तो हमेशा लोगों का बहुत बहुत सारे लोग आते हैं, वेलकम होता है, स्वागत होता है। मनु भाकर ने दिए संकेत, अभी नहीं करेंगे राजनीति, देश के लिए खेलकर मेडल जीतना ही उनका सपना, खेलों के प्रति युवाओं को करेंगे मोटिवेट। सपना हमेशा गोल्ड का ही है और ये सपना यूं ही बरकरार भी रहेगा आगे, तो यहाँ ब्रॉन्ज तक का सफर भी देखा है, आगे भी और मेहनत करेंगे और गोल्ड लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल लक्ष्य तो गोल्ड का ही रहेगा। और वल्लभगढ़ विधानसभा के कारोबारियों में रोष, चुनाव का करेंगे बहिष्कार, व्यापारी पर हमले के विरोध में किया धरना प्रदर्शन, बाजार भी किया बंद। इंसाफ हो, वैसे तो ये फिर वाली बात आती है, इलेक्शन चल रहे हैं, हर किसी को वोट चाहिए, पर इस धरने पर ना तो कोई कांग्रेसी नेता मौजूद है ना कोई भाजपा का नेता मौजूद है, सब किसी को वोट चाहिए, अगर यही हाल रहा तो हो सकता है। फरीदाबाद में व्यापारी के साथ मारपीट, दुकानें बंद कर धरने पर बैठे व्यापारी, दुकानदार बोले सही से कार्रवाई नहीं कर रहा प्रशासन। है कि अभी तक FIR भी दर्ज नहीं किया है और FIR के साथ साथ ना कोई गिरफ्तारी की है ना वो व्यापारियों को किसी तरीके से हम लोगों को संतुष्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें मजबूरन देखिए आप दुकानें छोड़ करके अपने काम छोड़ करके, त्योहार का दिन है